अस्सलाम वालेकुम माय क्यूरियस फॉलोअर्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा लेक्चर है गैमा एआई पे। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कौन सा टूल है, ये आपकी हेल्प करेगा किसी भी प्रेजेंटेशन को बनाने में और किसी भी वेब पेज को डिजाइन करने में। आप कोई भी क्यूरी जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है वो आप इसको प्रोवाइड करें, उसके ऊपर आपको ना सिर्फ प्रेजेंटेशन बना के देगा बल्कि फर्दर मोर उसमें आपको आपके मनपसंद जो है वो इमेज भी ऐड करके देगा, उसके ऊपर एनिमेशन भी लगा के देगा। आइए देखते हैं गैमा एआई आपकी कैसे हेल्प करेगा। माय क्यूरी स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है गैमा एआई पे और ये इसका होम पेज आपके सामने अवेलेबल है। यहाँ पे देखें तो इसका जो है लिंक अवेलेबल है, मैं इस लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ होम पेज में देखो तो वेरी क्लियर मेंशन यहाँ पे क्रिएट विद एआई, यानी कि हम एआई को यूज करके क्रिएट कर सकते हैं। क्या क्रिएट करने जा रहे हैं आज के लेक्चर में? प्रेजेंटेशंस। बहुत से स्टूडेंट ने मुझे कहा कि सर हमें अपने थीसिस के ऊपर, हमने अपने प्रोजेक्ट्स के ऊपर या किसी भी सब्जेक्ट में जो गिवन प्रेजेंटेशन होती है उसको बनाने में बहुत डिफिकल्टी होती है गूगल से या पावर पॉइंट से, तो आपकी जितनी भी जो है डिफिकल्टीज है वो ओवरकम कर देगा एआई। आइए देखते हैं इसकी होम पेज के ऊपर क्या कुछ अवेलेबल है। अगर तो आपके पास किसी भी फॉर्म में जो है वो टेक्स्ट अवेलेबल है जिसके ऊपर आप प्रेजेंटेशन बनाना चाह रहे हैं तो आपने वो टेक्स्ट वहां से कॉपी करना है और यहां कंटिन्यू करने के बाद उस टेक्स्ट को यहां पे आके पेस्ट करेंगे तो ये उसके ऊपर आपको प्रेजेंटेशन बनाकर दे देगा। लेकिन आप नेक्स्ट ऑप्शन को देखें तो यहां पे मोस्ट पॉपुलर ऑप्शन ये वाला है जिसको हम प्रॉम्प्टिंग कहते हैं, यानी कि गूगल में जो हम लिखते हैं कि हमें फला फला टॉपिक के ऊपर प्रेजेंटेशन चाहिए तो जैसे चैट जीपीटी पे लिखते हैं तो वैसे ही जो है गामा के ऊपर आपके लिखें, जस्ट आप उसको प्रॉम्प्ट या टाइटल दें उसके ऊपर आपको जो ये प्रेजेंटेशन जनरेट कर देगा। नेक्स्ट देखें इसका लास्ट ऑप्शन तो इंपोर्ट अ फाइल, यानी कि अगर आपके पास ऑलरेडी कोई प्रेजेंटेशन अवेलेबल है उसको हम इंप्रूव करना चाह रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एआई तो आप उसको यहां पे आके अपलोड करें तो उसको इंप्रूव कर देगा। अब हम यूज करते हैं मोस्ट पॉपुलर वन जिसके ऊपर हम प्रॉम्प्टिंग को यूज करेंगे, जस्ट क्लिक ऑन जनरेट वाले ऑप्शन को और कंटिन्यू करें। जैसे आप कंटिन्यू करेंगे तो यहां पे हमारे पास ये तीन ऑप्शन देगा, आप प्रेजेंटेशन बनाना चाह रहे हैं या कोई डॉक्यूमेंट बनाना चाह रहे हैं या आप वेब पेज को डिजाइन करना चाह रहे हैं, तो ये तीनों ऑप्शन यहां पे इसके ऊपर अवेलेबल है। जबकि आज का हमारा कंसर्न क्या है? प्रेजेंटेशन, तो हम इसको क्लिक करते हैं। ओके, इससे पहले कि हम यहां पे जो है इसकी प्रॉम्प्टिंग करें या इसको वर्ड दें जिसके ऊपर हमें प्रेजेंटेशन जनरेट करनी है, हम पहले देखते हैं कि इसके इस पेज के ऊपर क्या कुछ अवेलेबल है। यहां पे देखिए मेंशन है कार्ड्स, कार्ड्स से मुराद क्या है? स्लाइड्स। इसको ड्रॉप डाउन एरो को क्लिक कीजिएगा तो यहां नंबर ऑफ स्लाइड्स अवेलेबल्स हैं, यानी कि आप कितनी स्लाइड्स की प्रेजेंटेशन बनाना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल आज हम सिलेक्ट करते हैं 8 कार्ड, यानी कि 8 स्लाइड्स की। यहां पे लैंग्वेज आ जाएगी कि किस लैंग्वेज में आप बनाना चाह रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली जो हम इंग्लिश में बनाते हैं तो इंग्लिश यहां दे देंगे। अब यहां पे आके हमने क्या लिखना है? वर्ड। यहां पे उसने ऑलरेडी कुछ आपके लिए जो है प्रेजेंटेशन दी हुई है, अगर आप इनको देखना चाहें तो इनको भी देख सकते हैं, लेकिन हमारा कंसर्न तो ये होता है कि हम इनको क्यों देखें भाई, हमने तो अपनी प्रेजेंटेशन बनानी है, अपने टॉपिक्स रिलेटेड बनानी है। तो यहां मैं इसको कुछ वर्ड दे रहा हूं, मैं यहां पे इसको दे रहा हूं कि टेक्नोलॉजी एंड स्टूडेंट अचीवमेंट्स इन बायोटेक्नोलॉजी, यानी कि अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड कहता हूं कि मुझे बताएं बायोटेक में जो जो भी टेक्नोलॉजीज हैं और बायोटेक के जो स्टूडेंट की अचीवमेंट्स है आज तक जो है वो सारे सारे यहां उसके ऊपर मुझे डिजाइन करके दे। अब यहां देखिए आपने करना कुछ नहीं है, जस्ट क्लिक ऑन जनरेट आउटलाइंस। जैसे क्लिक करेंगे तो जो 8 स्लाइड्स हमारी थी उनके ऊपर जो उनके टाइटल्स हैं या उनकी आउटलाइंस है ये हमें जनरेट करके दे देगा। ठीक है, ये देखिए 8 उसने जो है स्लाइड्स के कार्ड के लिए, 8 जो हमारे कार्ड थे उनके कार्ड लिए हमें जो आउटलाइंस दे दी। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करते हुए आपने अपने दिमाग को भी यूज करना है और देखना है क्या जो उसने हमें यहां पे बना के दी है यहां पे टाइटल्स, क्या वो हमारे जो है वो टॉपिक से रिलेटेड है या नहीं है। जैसे इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी इन एजुकेशन बहुत रेलेवेंट है, बेनिफिट्स रेलेवेंट है, केस स्टडीज रेलेवेंट्स हैं, टूल्स रेलेवेंट्स हैं, कंक्लूजन एंड टेकअवेज, यानी कि सब के सब तो रेलेवेंट है। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि नहीं इसमें से जो है कुछ हमसे रेलेवेंट नहीं है तो आपने जस्ट जो उसके ऊपर आके ऐसे क्लिक करना है, आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं और उसके अंदर जो है उसको एडिट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर मैं कहता हूँ बायोटेक जहाँ से हटाना चाह रहा हूँ, अचीवमेंट्स हटाना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल यू, तो आप इसको इस तरीके से हटा भी सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है कि जरूरी नहीं कि हम जो हमें दे रहा है उसी के ऊपर हम बनाए अपना, हम अपना वर्ड्स भी उसको दे सकते हैं। फर्दर मोर आप कह रहे मुझे एक और स्लाइड ऐड करके दे जिसके ऊपर ये भी हो कि इसके अंदर जो रिसेंट डिस्कवरीज हमारे पास हुई हैं बायोटेक में वो भी हमें यहाँ पे रिपोर्ट करे। यानी कहने का मतलब है कि आप कुछ भी इसमें जो है अपनी तरफ से भी डाटा ऐड करवा सकते हैं। तो ये देखिए 9 स्लाइड आपको इस तरीके से बना के दे देगा। ठीक है, अब जैसे ही हमारे पास नीचे आ जाए तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, मोस्ट स्टूडेंट्स को इग्नोर कर जाते हैं। सेटिंग में टेक्स्ट कैसा आपको चाहिए? कुछ बच्चे कोशिश करते हैं कि हमें डिटेल टेक्स्ट चाहिए। नो डिटेल, मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहता हूं कि डिटेल्स वाली प्रेजेंटेशन होती है वो तो नोट्स होते हैं, मीडियम वाले सामने ठीक होती है, लेकिन मैं हमेशा फॉलो करता हूं ब्रीफ को, यानी कि बुलेट्स
चंद जो है पॉइंट्स हो जिसको आप खुद आप बोलें विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ द इमेजेस। तो आप हमेशा ब्रीफ को सिलेक्ट कीजिएगा अगर आपने प्रेजेंटेशन की जो है वर्थ को आपने बढ़ाना है। फॉर एग्जांपल आपकी प्रेजेंटेशन है किसी भी थीसिस के डिफेंस, पीएचडी का थीसिस का डिफेंस है, एमएस का या बीएस का, तो हमेशा कोशिश करें ब्रीफ के ऊपर है, यानी कि समराइज फॉर्म में। ओके जी, नेक्स्ट हम देखते हैं इमेज सोर्सेज। ये देखें कि आपको किसी जो भी हमने टेक्स्ट उसके ऊपर दिया उसके अकॉर्डिंग आपको ये खुद इमेज भी ऐड करके देगा। आपने वो इमेज कौन से लेने हैं, यहां इसको जैसे आप ड्रॉप डाउन को क्लिक कीजिएगा तो हमें दोनों ऑप्शन देता है कि वेब बेस्ड जो वेब पे अवेलेबल जो है इस टॉपिक से रिलेटेड इमेज है वो चाहिए या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के थ्रू जो है वो आपको चाहिए होंगे। ठीक है, तो हम एआई को सिलेक्ट करते हैं जस्ट फॉर देखने के लिए कि एआई हमें क्या कुछ करके देता है इसके ऊपर। ठीक है, इमेज का स्टाइल तक आपको ये बना के देगा। ठीक है, जैसे आपने एआई इमेज यहां पे सिलेक्ट कर दी, अब एवरीथिंग यहां पे रेडी, हमारे पास ये नौ स्लाइड्स रेडी है। अब हमने क्लिक करना है इसके ऊपर जाके कंटिन्यू के ऊपर। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो मिल जाएगा इस पेज के ऊपर। इससे पहले कि हम जनरेट करें वो हमें कहता है कि आप अपनी जो है प्रेजेंटेशन का कोई लेआउट या कलर जो है या बैकग्राउंड जो है सिलेक्ट करें, इसको हम थीम बोलते हैं। तो यहां देखिए बहुत से थीम यहां पे अवेलेबल है। मैं यहां पे फॉर एग्जांपल जो है एक डार्क कलर यूज करता हूं, ठीक है, सैंग्यून के नाम से इसको मैं सिलेक्ट करता हूं, तो ये देखिए मुझे इस तरीके से उसका ये जो है वो थीम दे देगा। अगर आप ऊपर ले आए इसको तो आपको यहां पे नजर आएगा तो कौन से आपको डार्क चाहिए, आपको लाइट चाहिए, आपको प्रोफेशनल चाहिए, आपको कलरफुल चाहिए, यानी कि डिफरेंट थीम्स यहां पे अवेलेबल हैं। और हम इस आपको मैं ये भी बता दूं हम किसी भी वक्त जो है ये थीम चेंज कर सकते हैं। ओके जी, मैंने अब यहाँ पे सिलेक्ट ये वाला थीम कर लिया, मैं इसको कहता हूँ जनरेट। जैसे मैं जनरेट करूंगा तो ये अब स्लाइड्स बनाना शुरू कर देगा। तो ये देखिए इस तरीके से हमें ये स्लाइड जो है जनरेट करना शुरू कर देगा। ठीक है, हमारे जो आठ स्लाइड्स हैं उस तरीके से वन बाय वन जो उनके ऊपर हेडिंग्स और फर्दर उसकी जो है इमेजेस, ठीक है, उसके नीचे टेक्स्ट सारा हमें वो जनरेट करना शुरू कर देगा। अब देखें इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी इन एजुकेशन के नाम से उसने जो है टाइटल थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर दिया। हम टाइटल को भी चेंज कर सकते हैं अगर आप इसको चेंज करना चाहें। और साथ इतने सारे इमेजेस खुद ये डिजाइन करके दिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड इमेज है, किसी का ओरिजिनल इमेज नहीं है, तो इसमें एथिकल कंसर्न्स भी नहीं होंगे, ये सारे एआई के इमेजेस हैं। और देखिए कितनी ब्यूटीफुल उसने जो है आपके सामने ये प्रेजेंटेशन बना के दे दी है। ठीक है, इसमें केस स्टडीज दे दी हैं, ठीक है, इस स्ट्रेटजीज यहाँ पे उसकी दे दी हैं, ठीक है, और चैलेंजेस उनके सॉल्यूशंस भी साथ प्रोवाइड करके दे दिए हैं। ठीक है, और फ्यूचर जो इसका है वो किस में जा रहा है उसको भी आपके पास मेंशन कर दिया है। ठीक है, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन की बात करें कंक्लूजन्स में और की जो इसके टेकअवेज वो भी हमें दे दिए। अब आप किसी भी पॉइंट पर रहते हुए आप चाहते हैं कि नहीं मैं इस पर मजीद स्लाइड करना चाह रहे हैं, ठीक है, या हम इसका कंक्लूजन जो है वो सही तरीके से दे, तो आप उस स्लाइड के नीचे आए और यहाँ पे आप प्लस का साइन कीजिएगा तो ये देखिए न्यू स्लाइड वहां पे ऐड कर देगा। यहां खुद भी लिख सकते हैं इसके ऊपर। ठीक है, एक ऑप्शन तो ये है। दूसरा ऑप्शन ये है कि इसके ऊपर दोबारा यहां पे लिखा है ऐड कार्ड या स्लाइड विद एआई। ठीक है, जैसे हमने ऊपर डिजाइन की थी तो आप यहां उसको टाइटल लिखे, ठीक है, तो वो आपको उसके ऊपर दे देगा इसका। ठीक है, अब मैं फॉर एग्जाम्पल कहता हूं कि न्यू टूल्स, फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे कहता हूं वैसे न्यू टूल्स इन बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, मैं कहता हूं कि बायोटेक्नोलॉजी में नए टूल्स हैं, इसको ऊपर मुझे जस्ट एंटर करूंगा इसको, उसके ऊपर मुझे स्लाइड बनाना शुरू कर देगा ये। ठीक है, यानी कि इतना फास्ट है। देखें न्यू टूल्स कौन कौन से हैं, क्रिस्पर कैस टेक्नोलॉजी है, बायोप्रोसेसिंग इनोवेशंस है, एआई और मशीन लर्निंग एप्लीकेशंस है, तो देखिए उसकी स्लाइड उसने ऐड कर दी और उसी फॉर्मेट में ऐड करके देगा आपको। तो इससे बेहतर क्या हो सकता है स्टूडेंट्स के लिए कि आपको जो साथ इमेज भी दे रहा है उसके और साथ साथ जो स्लाइड्स को भी ऐड करके दे रहा है। यहां पे देखिए थीम, आप यहां पे दोबारा वही इसी तरीके से थीम को क्लिक कीजिएगा, यहां दोबारा सारे थीम आ जाएंगे। ठीक है, तो आप किसी भी थीम को जो है जस्ट क्लिक कीजिएगा तो थीम उसका चेंज कर देगा यहां पे। ये देखिए इसके अगर आपने व्हाइट थीम लेना है, लाइट थीम लेना है, ठीक है, अगर आपने ग्रे थीम लेना है तो क्लिक ऑन दैट ग्रे वन, ठीक है, ग्रे कर देगा। ठीक है, अब दोबारा वापस उसी पे आना तो आप अपने ओरिजिनल वाले को भी यहां पे क्लिक कर दे, ठीक है, उसको उसके ऊपर लेके आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए थीम का यहां पे अवेलेबल है। अगर हम यहां पे आ जाए एडिट विद एआई, बहुत अच्छा ऑप्शन है ये, इसको क्लिक कीजिएगा और यहां पे देखिए आप जो भी पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन को आप चेंज करना चाह रहे हैं तो एआई के साथ आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं। ठीक है, अब आप क्या बात कर सकते हैं इसमें, आप कहते हैं जितने भी हमारे पास वर्ड्स हैं उनको इटैलिसाइज कर दे, प्रिसाइज द कार्ड्स। ठीक है, जैसे आप इसको क्लिक लिखेंगे आप इसको दोबारा जो है वो सर्च कीजिएगा, अब ये क्या करेगा जितनी भी हमारी स्लाइड्स है उनको प्रिसाइज करना शुरू कर देगा। अब देखें अब वहां पर दो वर्जन आ गए हैं, आप देखिए यहां पे उसने मजीद स्लाइड को प्रिसाइज कर दिया, यानी कि उनकी जो है हमारे पास जो है वो जो टेक्स्ट लिखा उसको मजीद शॉर्ट करके हमें दे दिया। ठीक है, ये हमारे पास वो जो प्रिसाइज वन है, और आप इसके साथ जाना चाह रहे हैं तो जो उसने सजेस्ट किया है आई आई ने आप उसको फॉलो कर लें। अगर आप कहते हैं नहीं मुझे जो उसने करके दिया वो ठीक नहीं है, ठीक है, मुझे जो अपने के साथ जाना आप जस्ट क्लिक ऑन ओरिजिनल, जैसे ओरिजिनल के आप दोबारा ओरिजिनल के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये एआई का ऑप्शन यहां पे आपके पास अवेलेबल है। ओके जी, आप नेक्स्ट अगर देखें तो इसके ऊपर आप किसी भी स्लाइड के ऊपर रहते हुए, ठीक है, आप यहां पे क्लिक कीजिएगा तो कार्ड की टेम्पलेट्स भी आपको चेंज कर देगा। ठीक है, आपने यानी कार्ड के अंदर टाइटल जो है कार्ड्स को चेंज करना है, कंटेंट्स को चेंज करने हैं, ठीक है, दो कॉलम ऐड करने हैं तो या रो ऐड करने तो आपको वो भी ऐड करके देगा यहाँ पे। आप यहाँ पे देखें तो यहाँ हमारे पास डिफरेंट लेआउट्स हैं, यानी कि आप कॉलम फॉर्म में स्लाइड्स बनाना चाह रहे हैं या टेक्स्ट बॉक्स ऐड करना चाह रहे हैं, ठीक है, या कुछ भी इसमें टाइम लाइन लेआउट देना चाह रहे हैं, तो कुछ भी लेआउट करिए आप उसको जो है यहाँ पे उसको कस्टम उसको लेके आए तो इस तरीके से देखिए वो लेआउट यहाँ बनाना शुरू कर देगा उसकी, और इसमें आप अपना जो है डाटा ऐड कर सकते हैं।
ठीक है, मैं इसको खत्म करता हूं अभी। और यहां पे जो है बेसिक जो हमारे पास है, जो टाइटल्स हैं, ये हेडिंग्स वगैरह, उसको भी आप यहां से चेंज कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि इससे बेहतरीन सोल्यूशन ही होता कि हम किसी भी वक्त इसको अपनी मर्जी से एडिट कर सकते। इमेजेस की बात करें तो जैसे हमने AI के इमेज लिए थे, या फिर गैलरी में आपके पास जो इमेजेस अपने पड़े हुए हैं वो भी इसमें आप ऐड कर सकते हो, तो ये भी ऑप्शन हमें हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, और इसके बाद अगर हम देखें तो आप कोई भी वीडियो, यानी कि यूट्यूब की वीडियो या गैलरी में कोई वीडियो पड़ी है तो उसको भी यहाँ पे ऐड अप कर सकते हैं। मोस्टली आजकल प्रेजेंटेशन एनिमेशन में देखते हैं लोगों ने वीडियोस ऐड की होती हैं, तो आप उन वीडियोस को भी यहाँ पे उनका URL देकर उनको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। वो तो आपको सॉन्ग स्पॉटीफाई से या टिकटॉक से कोई आपके पास ऐसा यानी कि इन्फॉर्मेटिव जो है थिंग अवेलेबल है बायोटेक के ऊपर, उसको भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मैंने आपको बताया शुरू में हमारे पास एक और ऑप्शन अवेलेबल है कि हम अगर इन AI के साथ नहीं जाना चाह रहे तो हम पीछे जाते हैं कि हमारे पास जो वेब बेस्ड इमेजेस होते हैं उनके थ्रू हमें बना के दे, जो नीचे आ जाएं। आपने जस्ट यहां पे आके AI को छोड़ के और आपने कर देना है वेब बेस्ड इमेजेस, और उसके बाद आपने क्लिक कर देना है कंटिन्यू के ऊपर। ठीक है, जैसे आप कंटिन्यू क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह की प्रेजेंटेशन बना के देगा। ठीक है, सेम देखिए हर चीज वही है, जस्ट उसमें इमेजेस चेंज हुए हैं। ठीक है, हम इमेज इस इमेज को खुद भी चेंज कर सकते हैं यहां से, जो मैंने आपको ऑप्शन बताया था इमेजेस वाला, लेकिन आपने ऑटोमेटिकली करना है तो आपको वेब से तमाम वो इमेजेस उठा के देगा जो बायोटेक्नोलॉजी से रेलिवेंट है। ये देखें, मैं नीचे इसको स्क्रॉल डाउन करता हूं, आपको सारे वो इमेजेस नजर आ जाएंगे। ठीक है, टेक्नोलॉजीज के लिए प्लांट टिश्यू कल्चर के ऊपर काम हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से अगर आप देखें तो जो है बायोफॉर्मेटिक्स की मशीन लर्निंग पे काम हो रहा है। ठीक है, टोमेटो के ऊपर काम हो रहा है। ठीक है, तो ये जितने भी इमेजेस रिसेंट जो माइक्रोस्कोप यहां पे दे दी उसने, तो ये हमें खुद वो बताएगा ये कि बेस पे के वेब के ऊपर कौन कौन सी इमेजेस आपसे इनोवेशन की बात की, तो इनोवेशन का आइडिया DNA का दे दिया। अब यहां पे जो है सारे ऑप्शन ये देखें, प्रेजेंटेशन व्यू भी अवेलेबल है, टैब भी फुल स्क्रीन भी यहां पे अवेलेबल है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम इसको किसको डाउनलोड कैसे करेंगे, इसको शेयर कैसे करेंगे। जस्ट क्लिक ऑन शेयर। ठीक है, जैसे आप शेयर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप इसको जो है क्लिक कर दे एक्सपोर्ट के ऊपर। अब डाउनलोड आप किस फॉर्म में करना है, PDF के फॉर्म में करना है या पावर पॉइंट के फॉर्म में करना है। मैंने क्लिक किया तो उसने इसको एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। देखिए इस तरीके से यहाँ पे वो क्या हो जाएगी, डाउनलोड हो गया। अब फोल्डर में जाकर इसको ओपन करते हैं। देखिए पावर पॉइंट के फॉर्म में हमने इसको जो सेव किया था, तो ये पावर पॉइंट की फाइल हमारे पास इस तरीके से ओपन हो गई है। ठीक है, अब ये वही प्रेजेंटेशन है जो भी हमने बनाई थी। अब इसके बाद अगला काम आपका अपना है, आप इसके अंदर फर्दर एडिटिंग करना चाह रहे हैं, फर्दर इमेजेस ऐड करना चाह रहे हैं, कुछ भी ऐड करना चाह रहे हैं, तो आप इसको जो है फिर मैनुअली कर सकते हैं। ठीक है, स्लाइड शो पे ले जाओ ताकि आपको ये क्लियर नजर आए, जस्ट लाइक दैट। ये देखिए इसका ओवरव्यू सारा आ गया जी। अब मैं इस पॉइंट पे तो जरूर पहुंचाऊंगा कि अगर आपने कोई भी किसी किस्म की प्रेजेंटेशन बनानी और आपको इश्यू आ रहा है गूगल से या किसी भी और जगह से, तो आप आए Gamma AI के ऊपर, ये फ्रीली आपके लिए जो है प्रेजेंटेशन बना के देगा। गुड लक विद योर स्टडी एंड गुड लक विद योर प्रेजेंटेशन वर्क।